मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले के सभी डीजे संचालकों ने नायब तहसीलदार को मुख्यमंत्री और कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें डीजे बजाने की अनुमति की मांग की गई। डीजे संचालकों ने कहा कि मध्य प्रदेश के खरगोन और बड़वानी को छोड़कर अन्य जगहों पर इतनी सख्ती नहीं है, इस प्रकार का भेदभाव क्यों हो रहा है। बड़वानी पूरे जिले के डीजे संचालकों ने सोमवार को डीजे की अनुमति को लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर नायब तहसीलदार को मुख्यमंत्री और कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष मिथुन यादव भी उपस्थित रहे। इस दौरान बड़वानी जिले की 9 तहसील के डीजे संचालक भी उपस्थित रहे। वहीं जिला साउंड संगठन बड़वानी जिला सचिव और डीजे संचालक शिवम शर्मा द्वारा बताया गया है कि प्रदेश के खरगोन और बड़वानी को छोड़कर अन्य जगहों पर इतनी सख्ती नहीं है। संभाग स्तर हो या राज्य स्तर पर, हर जगह मांगलिक कार्य हो या कोई राजनीतिक कार्य, डीजे की अनुमति दी जाती है, लेकिन खरगोन और बड़वानी में किसी प्रकार की अनुमति नहीं दी जा रही है, जिससे डीजे संचालक आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं। वहीं प्रदेश सरकार की जो गाइडलाइन है उसका पालन करने की सभी डीजे संचालकों ने शपथ ली है, और जो मानक डेसिबल है उसके अंतर्गत साउंड चलाने के लिए 4 बॉक्स की जो गाइडलाइन दी गई है उसका भी पालन करेंगे। एवं सरकार से यह गुहार लगाई है, जैसे अन्य जिलों में और संभाग लेवल पर भी साउंड संचालन की जो परमिशन मिल रही है वह बड़वानी खरगोन में भी दी जाए और राहत की मांग की गई है। वहीं अगर शासन प्रशासन हमारी मांग पूरी नहीं करता है तो हम चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। वहीं बड़वानी भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष मिथुन यादव द्वारा बताया गया है कि प्रदेश सरकार द्वारा साउंड सिस्टम पर प्रतिबंध लगाया है, जो नई प्रदेश शासन की गाइडलाइन है, जिसमें शादी एवं धार्मिक कार्यक्रम में 4 बॉक्स की अनुमति सभी जिलों में दी जा रही है। तो वहीं बड़वानी एवं खरगोन को छोड़कर इसका शासन द्वारा कठोरता से पालन करते हुए जिले में गाइडलाइन के अनुसार भी परमिशन नहीं दी जा रही है। जितने भी साउंड का संचालन करने वाले युवा साथी हैं, वे पिछले 6 महीने से आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। इसी कारण आज पूरे जिले के सभी डीजे संचालकों और मैंने नायब तहसीलदार को मुख्यमंत्री और हमारे जिले के कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा है, ताकि आगामी त्योहारों में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा सके और सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से इन सभी बेरोजगार युवाओं को साउंड सिस्टम की परमिशन मिले, जिससे उनकी आजीविका चलती रहे। यदि जिला प्रशासन और प्रदेश सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करते तो हम चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। मेरा नाम शिवम है, मैं बड़वानी साउंड जिला साउंड संगठन का कार्यकारिणी अध्यक्ष हूँ, समिति का सदस्य हूँ, एवं आज हमने माननीय श्री कलेक्टर साहब को, एसडीएम साहब को और माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें विगत 6 महीने से जो साउंड एसोसिएशन वाले हैं उनका जो आजीविका है वो चलना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि जो साउंड के प्रतिबंधन जो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लगाया गया है उसमें राहत की मांग की है। जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने 4 बॉक्स चलाने का जो निर्णय दिया है और जो उन्होंने आदेश दिया है, उस आदेश के तहत भी हमें कुछ जिलों में जैसे बड़वानी खरगोन में कार्य करने में बहुत कठिनाइयां हो रही है, वह हमें जो परमिशन है वह नहीं मिल पा रही है। इसके अलावा भी संभाग स्तरीय जो दूसरे जिले हैं वहां पर यह कार्य करना कार्य अनुमति से हो रहा है, तो वहां पर परमिशन भी मिल रही है। हमारे आज बड़वानी जिले जिला संगठन के सभी जो सदस्य हैं सभी आज अपनी अपनी तहसील, जो 9 तहसील है वहां से सब आज आए हैं ज्ञापन सौंपने महोदय को, और जो बड़वानी जिला संगठन के अध्यक्ष उपाध्यक्ष महोदय सचिव महोदय है और जो भी कार्यकारिणी समिति है उसके सभी सदस्यों ने मिलकर आज माननीय कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंपा है। ठीक है, इसके तहत हमारी यही मांग है कि जो मुसीबतों का कठिनाइयों का सामना विगत 6 माह से करना पड़ रहा है, जो हमारे व्यवसाय में जो कठिनाइयां आ रही है वह चालू हो, कृपया जो सरकार का निर्देश है उसके अनुसार जो 4 बॉक्सों की परमिशन है वह साउंड की परमिशन मिले, ताकि धार्मिक और मांगलिक कार्य वापस चालू हो। जैसा अन्य जिलों में सभी खुशहाली से ये प्रोग्राम अपने कर रहे हैं, वह आजीविका में आजीविका चला रहे हैं, वैसे बड़वानी जिले के लोग भी अपनी आजीविका सरलता से चलाएं, इसके लिए हमने माननीय कलेक्टर महोदय से और माननीय मुख्यमंत्री जी से, एसडीएम साहब को हमने ज्ञापन सौंपा है। इस हमें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, कई सदस्यों का बैंक द्वारा लोन है एवं उन्हें उनकी जो शिक्षा है वह भी उन्होंने छोटे कोर्स साउंड सिस्टम में, इंजीनियरिंग में, साउंड इंजीनियरिंग में,
बीएससी साउंड इंजीनियर, बीटेक साउंड इंजीनियर, इन्हीं में उन्होंने साउंड सिस्टम में ही उनकी शिक्षा उन्होंने प्राप्त की हुई है। कार्य ना चलने पर उन्हें भी जो रोजगार है उसकी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और वो भी बेरोजगार अभी विगत छह माह से बैठे हुए हैं। मांग पूरी ना होने पे हम चरणबद्ध आंदोलन करेंगे एवं हमारे द्वारा जो भी चीजें प्रशासन के आधारित जो हो पाती है हम वह करने की पूरी कोशिश करेंगे। क्या नाम आपका? मिथुन यादव, भाजपा मंडल अध्यक्ष। आज ज्ञापन देना है, ऑफिसर में ज्ञापन। जो प्रदेश की सरकार के द्वारा साउंड सिस्टम पर प्रतिबंध लगाया गया है इसके कारण पूरे मध्य प्रदेश के साथ हमारे बड़वानी जिले के भी युवाओं को हमारे बड़वानी जिले के भी युवा जिससे प्रभावित हो रहे हैं। जितने भी साउंड का संचालन करने वाले युवा साथी है आज कहीं ना कहीं विगत छह महीने से उनके सामने एक अपने परिवार की आजीविका चलाने के लिए एक आर्थिक संकट सा छा गया है। उसी के निमित्त आज हमने नायब तहसीलदार को माननीय मुख्यमंत्री महोदय, कलेक्टर महोदय एवं हमारे जिले के डीएम के नाम से ज्ञापन दिया है ताकि आगामी त्योहारों में भी हर्ष उल्लास के साथ हम सब मनाएं व सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से इन सभी बेरोजगार युवाओं को साउंड की परमिशन मिले जिससे कि इनकी आजीविका चलती रहे। मांगे पूरी नहीं तो क्या करना है? यदि जिला प्रशासन एवं प्रदेश संगठन हमारी मांगे पूरी नहीं करती है तो हम चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। बड़वानी से जयप्रकाश सोलंकी की रिपोर्ट।